हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे वाले गोल बैंगन की सब्जी। ये हमने छोटे वाले बैंगन लिए हैं, इसकी हम मसालेदार सब्जी बनाएंगे। पहले इसको हमें इस तरीके से काटना है, इसमें कट लगाना है और इसके अंदर देख लेना है कट लगा के कोई कीड़ा तो नहीं है। सभी बैंगन को हमें इसी तरीके से काटना है और ध्यान रखे इसके अंदर जरूर देखना है कोई कीड़ा तो नहीं है। सब हम इसी तरीके से काटेंगे। सभी बैंगनों को हमने इसी तरीके से कट लगा लिया है। अब हम इनकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है तेल डाल के। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम बैंगन को पहले फ्राई करेंगे। गैस हमें फुल आंच पे रखना है। सभी बैंगन हमने तेल के अंदर डाल दिए हैं। इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। एक दफा हम बैंगन को पलट देते हैं। बैंगन हमारे तेल में फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। बैंगन को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। इसमें हम एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, एक तेजपात का पत्ता, थोड़ा सा जीरा। इसको 1-2 मिनट के लिए तड़कने देंगे। 1-2 मिनट हमारे जीरे को होते हुए हो चुके हैं। इसमें हम ये गोल टाइप की हमने प्याज काटी थी एक बड़ी, वो भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे तेल में। प्याज को हमें हल्की ब्राउन करनी है। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम ये एक टमाटर काटा है हमने, वो भी हम इसी में प्याज के साथ फ्राई करेंगे। टमाटर प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनते हुए। अब इसमें हम 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको हम थोड़ा पानी डाल के भून लेते हैं मसालों को। पांच मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को भूनते हुए। अब इसको हम एक दफा चला देते हैं थोड़ा पानी डाल के। स्वाद के लिए हम थोड़ा अचार का मसाला डालेंगे और अचार इसमें ये हम थोड़ा अचार का मसाला और अचार डालेंगे। इससे हमारे बैंगनों में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें हम ये फ्राई हुए हुए बैंगन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ। थोड़ा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। अच्छी तरह इन्हें मसाले के साथ पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे बैंगन की सब्जी बनते हुए। एक दफा इनको चला देते हैं। मसाला भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस को हम स्लो कर देते हैं। बैंगन की सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। गैस को हम बंद कर देते हैं। इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, ये कटी हुई हरी मिर्च। बैंगन की सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हो। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।